बयान साहब हमारे बीच आ गए हैं। तो बेसिकली इस फिल्म के बारे में तो काफ़ी कुछ पता है सबको। हमारा जो आज का बेसिक एजेंडा ये है कि फिल्म के बारे में थोड़ी बात की जाए, और उससे ज़्यादा ये है कि फिल्म को खुद देखा जाए। तो हमने इसलिए एक वीक पहले फिल्म का प्रेस शो रखा है कि लोग देख सकें और इस तरह की फिल्म के बारे में एक पूरी तरह लोगों को बता सकें कि इस तरह की फिल्म है। मैं परिचय कराना चाहूँगा आपके सामने बाएँ से, जीत गोस्वामी जी हैं, उनके लीड एक्टर हैं, ये फिल्म में सदन का रोल प्ले कर रहे हैं। जिन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया है। और तीसरे नंबर पे AK मिश्रा जी हैं विजन कॉर्पोरेशन के, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और रिलीज कर रहे हैं। और खयाम साहब के बारे में बोलना बताना शायद मेरे लिए छोटी वो बड़ी बात होगी, क्योंकि खयाम साहब ने सिनेमा को म्यूज़िक का बहुत लेजेंड कहा जाता है, और इनके चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो खयाम साहब ने आप ऐसा कह सकते हैं कि इनके द्वारा दिया गया वो एक फिल्म का म्यूज़िक है जो अब शायद इस तरह का म्यूज़िक लोग बना नहीं सकते। इनके सारे गाने इन्होंने किए हैं और बड़े सिंगर्स हैं, आप फिल्म देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। यशपाल शर्मा जी भी किसी तरह के परिचय के मुताबिक नहीं हैं, उनके अभिनय की प्रशंसा हमेशा की जाती है। और अंत में फिल्म के लिरिक्स इधर कैमरा लुक सर या मिश्रा जी मान लो वही कहता हूँ श्रद्धांजलि कि ऐसे राइटर क्या कहने। तो ये सब्जेक्ट बाजार हुस्न वन ऑफ दी शाहकार सब्जेक्ट है उनका, ये हमारे उर्दू हिंदी पूरे साहित्य में ये इसको माना गया है, ये शाहकार सब्जेक्ट है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे यूनिट को। और मुंशी प्रेमचंद जी का हक अदा किया इन्होंने, अजय मेहरा साहब ने बहुत ट्रू, अजय मेहरा साहब कैप्टन ऑफ द शिप हैं हमारे, तो इन्होंने इतना अच्छा बनाया है इस फिल्म को। और कोई मन घड़त कहानी नहीं है, मन घड़त कोई वाकया नहीं है, जो लिखा हुआ है वो उन्होंने उस पर ऊपर सेल्फ लाइफ के ऊपर उतार दिया है एज इट इज। और वन ऑफ दी मेरी ये फेवरेट फिल्म है कि ये हम खुशनसीबी है हमारी कि हम इस यूनिट के यकीनन हमें चुना हमारे अजय मेहरा साहब ने, आप सब ने जो चुना कि इसका हम हक अदा कर सके। और हमने हक अदा किया है, आप सुनेंगे सब नगमे जो हमने किया। अहमद वसी साहब के बहुत बड़ा योगदान है नगमात में लिखने का, और माया गोविंद जी उन्होंने गाने लिखे हैं, और फिर लोकगीत हैं इसमें राज शर्मा साहब उन्होंने किए हैं। बहरहाल तो ये मैं सबके भाव पर जो मुझे अल्फाज कहने थे वो छोटे अल्फाज में करके आपको मैंने बता ही दिया है कि इसकी नौयत कितनी बड़ी है हमारे लिए, इवन पूरे हिंदुस्तान के लिए है। ये हमारे ये पूरा हिंदुस्तान और के लोग जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत पसंद करते हैं, और बहुत बड़े कहानीकार ऐसी कहानी और ट्रू कहानी उनकी जो राइटिंग थी और बड़ी सादगी उसमें थी, और लेकिन उसमें गहराई डीप क्या उन्होंने कह दिया, क्या लिख दिया, क्या कहने। सो वंस अगेन उनको श्रद्धांजलि और खराज अकीदत देता हूँ मैं, और पूरे यूनिट की तरफ से अपना जो मैंने शब्द कहने थे मैंने कहे हैं,
अपने आप मिश्रा जी हैं और अजय बहरा साहब हैं, क्योंकि इनको इतनी स्टडी है बनारस की गलियों की, मोहल्लों की, घाट्स की, बहुत ज़्यादा स्टडी है इन्होंने पूरा वो सारा। और इतनी अच्छी पिक्चर आप खुद देखेंगे जब पिक्चर, आप बहुत पसंद करेंगे कि इतनी अच्छी फिल्म बन सकती है। या आप जो कुछ अल्फाज कहें अजय जी, आप कुछ और मिश्रा जी कुछ कहें। प्रेमचंद जी के बारे में बताया, मैं उसके आगे कुछ मेरे पास बहुत ज़्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन यह है कि मैंने अपना करियर प्रेमचंद जी के नॉवेल कर्मभूमि से स्टार्ट किया था। और मुझे अभी भी याद है, मैं तब मेरी कुछ 28-30 साल की उम्र होगी, तो बहुत कम उम्र में प्रेमचंद जी जैसे फेमस राइटर के साथ इंसाफ करना बहुत मुश्किल काम था। और मैंने अपने ट्विटर में भी कल ये बात लिखी है कि मैं प्रेमचंद जी को शेक्सपियर से कम नहीं मानता, आई कंसिडर हिम यू नो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, एंड बिकॉज ही इज़ गिवन सो मच टू आवर हिंदी लिटरेचर, और उसमें उन्होंने जो भी अपनी कहानियाँ कही हैं वो सब समाज से, समाज की प्रॉब्लम को लेके उन्होंने उस ज़माने में कहानियाँ लिखी हैं। और वो चाहे उनकी शॉर्ट स्टोरी हो, चाहे वो उनका गोदान हो, चाहे कर्मभूमि हो, चाहे उनका सेवा सदन हो, सेवा सदन दरअसल यही फिल्म है, इसका हिंदी रूपांतर सेवा सदन है। ओरिजिनली ये बाजार हुस्न के नाम से लिखा गया था, पहले उर्दू में लिखा गया था, फिर बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके सही बनाया गया है। और मैंने ये फिल्म जब बनाने के लिए सोचा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में इस म्यूज़िक के बारे में आया, तो मैंने सिवाय खयाम साहब के और कोई मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो खयाम साहब, यशपाल जी, ओमपुरी और राजीव वर्मा, ये सारे, राजन किनागी जो इसके बहुत बड़े सिनेमेटोग्राफर हैं, उनको काफ़ी नेशनल अवार्ड भी मिले हैं, खयाम साहब को भी मिले हैं, तो बड़े लोगों ने इसमें काम किया है। और हम चाहेंगे कि ये फिल्म आप देखें और ख़ुद बताएं कि हमने कितना इनके साथ इंसाफ किया है, बस यही कहना चाहूँगा। यशपाल जी हैं, यशपाल जी कुछ हाँ। मैं जब प्रेमचंद पढ़ता था स्कूल कॉलेज में, या खयाम साहब के कुछ फिल्में देखता था, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रेमचंद की कृति मैं कर पाऊँगा स्क्रीन के ऊपर, और ऐसे दिग्गजों के साथ ऐसे बैठा होऊंगा या इनके मतलब काम साथ में कर पाऊंगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था रियली में। क्योंकि स्टार या उनसे बड़े या जितने जो जान या जिसको बोलते हैं आत्मा फिल्मों की जो होते हैं, यही लोग होते हैं। हम बेशक हम कॉलेज के लड़कों की तरह सीटियां मारने वाले बेशक फ़ैन ना हों, लेकिन बिल्कुल दिल की गहराइयों में उतरने वाले फ़ैन इनके हमेशा आज भी मिलेंगे और हर जगह मिलेंगे। तो मैं बस यही है कि एक ऐसा किरदार है इसमें, क्योंकि प्रेमचंद के तो हर कहानी में या नाटकों में या इसमें नॉवल में ऐसे डिटेलिंग में किरदार लिखे होते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना क्लियरली इसने इतना इलेबोरेट किया होता है हर करेक्टर। और तो ये भी एक करेक्टर है, थोड़ा सा नेगेटिव शेड है इसका भी, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत। और जितने भी प्रॉब्लम्स फिल्म में आप देखेंगे या टेंशन होगी, अभी पता नहीं मुझे, अभी देखते हैं, बहुत दिन हो गए देखे हुए। तो हाँ, गजाधर ये तो नस नस तो, क्या इनको बनारस ये बाजार हुस्न है। अभी मैं बाजार हुसन के बाद कई चीज़ कर लिया हूँ, इसलिए भूल गया हूँ। तो फिल्म देखते हैं, मेरे ख्याल उसमें ज़्यादा मज़ा है, और काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म अपने आप बोल देगी, क्योंकि जिस तरीके की उसको बनारस में ही जाके किया जा सकता था और जो उन्होंने किया,
बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है सब कुछ। बनारस में हुई है मेरे ख्याल से 90% 90% जो टेक्निकली लेनी चाहिए। सिनेमेटिकल लिबर्टी दो तरीके की होती है। मैं चूंकि थोड़े पुराने स्कूल का स्टूडेंट हूँ और फिल्म के ग्रामर को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, तो सिनेमेटिकल लिबर्टी मुझे ऐसा लगता है कि दो तरीके की होती है। एक होती है कि आप स्क्रिप्ट लेवल पे कितनी सिनेमेटिकल लिबर्टी ले रहे हैं, और दूसरी होती है कि आप टेक्निकल लेवल पे आप कितनी सिनेमेटिकल लिबर्टी ले के आप फिल्म को आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इसमें हमने स्क्रिप्ट लेवल पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जहाँ तक हमने कोशिश की है कि नॉवल की जो आत्मा है, नॉवल का जो जिस्ट है, उसको बरकरार पूरा मेंटेन किया जाए, उसकी आत्मा को जीवित रखा जाए, तो वो हमने पूरे उसको थ्रू आउट हमने उसके कैरेक्टर्स को सबको मेंटेन रखा है। कहानी में चूँकि कहानी अगर आप देखेंगे इसमें तो ये है तो एक दहेज की कहानी। एक दहेज की प्रॉब्लम हमारी देश में शुरू से रही है, सालों से रही है, और किस तरीके से एक फैमिली दहेज की वजह से, एक पुलिस दरोगा किस तरीके से दहेज की वजह से उसका पूरा परिवार गिर जाता है, एक परिवार की खुशियां बिखर जाती है, और उसी परिवार की एक बेटी जो किसी तरह सरकमस्टांसेस से बाईजी के कोठे पे पहुंच जाती है, और वहां पे हमारे यशपाल शर्मा जो हैं वो उसके हस्बैंड होते हैं। और एक मैं ज़रूर बात कहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद जी के और शरदचंद जी के नावल में कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आप उठा के कोई नावल पढ़ लीजिए, कोई कहानी पढ़ लीजिए, आपको कभी, ये बड़े राइटरों की खासियत थी कि इनके नेगेटिव कैरेक्टर नहीं होते थे, इनके हालात नेगेटिव होते, वो बन जाते थे। तो हाँ, वो शेड आ जाता था, लेकिन इनकी कोई ऐसा नहीं था कि जैसे आज हम फिल्मों में दिखाते हैं कि कुछ भी नेगेटिव हो गया बिना वजह के, कुछ आपने उसको क्रिएट कर दिया। तो इनकी जो सरकमस्टांसेस थे वो बहुत स्ट्रांग होते थे, क्योंकि आदमी के हालात ही ख़राब होते हैं, इंसान ख़राब नहीं होता, उसके हालात उसको वैसे बना देते हैं। संवाद में इसमें मोस्टली मीर मुनीर साहब ने जो संवाद लिखे हैं, और धनंजय हैं, इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है इसका, और इन दोनों ने, हाँ, तो बिल्कुल इनको उपन्यास दे दिया गया था, और ये कह दिया गया था कि इसमें जो डायलॉग हैं प्रेमचंद जी के, वो कोशिश कीजिएगा कि रहें, वो डायलॉग बदले नहीं जाए। तो कई जगह पे अगर डायलॉग कोई बदल भी देता था तो मैं सेट पे वापस उसको वापस रीराइट कर देता था, क्योंकि मुझे वो याद थे डायलॉग काफ़ी उनके। देखिए, मैंने जैसा कहा कि आपको, मैं पहले कर्म भूमि बना चुका हूँ। कर्म भूमि में मुंशी प्रेमचंद के बाद उपन्यास में अगर आप देखें तो कर्म भूमि हो गया, सेवा सदन हो गया, बाजार हुस्न जो सेम सब्जेक्ट है, इसके बाद गोदान हो गए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आज से रिलेट करते हैं, जो आज कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट जब आप पुराना उठाते हैं, 40 साल 50 साल पुराना, कोई शेक्सपियर के ऊपर फिल्म बनाता है, कोई दूसरे नावल पे देवदास बनी फिल्म बनी, तो वो भी आज से 50 साल पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन आपने उसको कंटेम्प्रेरी कैसे उसको आपने ट्रीटमेंट दे के उसको रिलेट करवाया आज के लोगों के साथ, वो हमने इस पर कोशिश की है थोड़ी बहुत। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मुझे पढ़ने का भी शौक है, पढ़ता रहता हूँ बड़े बड़े, तो मुंशी प्रेमचंद जी का जब इन्होंने नाम लिया, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई थी उनकी सारी किताबें, और इतना अच्छा लगा कि मुझे ये असाइनमेंट कहें, क्या करें, ये खिदमात कहें, क्या मुझे जो मिला, मुझे इतना अच्छा लगा मुंशी प्रेमचंद जी का, क्योंकि उनका मैं बहुत फ़ैन हूँ,
आप लोगों को याद होगा मुंशी प्रेमचंद जी बम्बई में रहे कितने साल, बम्बई में रहे हैं, पता है आपको? बिल्कुल, हाँ बम्बई में रहे हैं, हमारे परेल और लाल बाग के एरिया में वो रहे हैं, यहाँ पे दिखते भी थे वो, कुछ पता नहीं क्यों उस इलाके में रहते थे, और वो और उनकी तबीयत नासाज हो गई थी, वो कुछ वो मिलने का वो जो 32 से लेके 34 तक वो यहाँ थे, या 36 में उनकी डेथ हुई थी। तो ये मतलब उनकी राइटिंग इतनी रियली रियल होती थी कि कोई भी जिसकी समझ में आ जाए ना मुंशी प्रेमचंद, वो कहेगा उनसे बड़ा राइटर कोई है ही नहीं, और है भी नहीं, ये भी बताऊं अपनी नौयत के बहुत बड़े राइटर। और हमें इंशाल्लाह आप देखेंगे ये पिक्चर, आपको आप देखेंगे ना बांध लेगी बिल्कुल अपने आप में ना, बहुत हमारे ये तो जान है इस पिक्चर की ये, और सब के सब किरदार अपनी जगह, लेकिन इनका एक सेंट्रल करेक्टर है इनका, ये पाल जी का 50 साल पुराना बनारस ही है, आपको बनारस आज बैठा के नहीं नहीं मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं मुंशी जी को मुंशी जी नहीं कहना चाहिए मुंशी प्रेमचंद जी को खराज अकीदत देना था। मैं बिल्कुल भाग कर आया कि मैं ज़रूर इसमें जाऊँगा, और मैं कुछ अल्फाज उनकी शान शान कुछ कह पाऊँगा और ज़रूर कहूँगा। तो ये नज्म जो इसमें लिखी है अपने बाजारे, वो जो इसमें जो नज्म है हाँ, वो आप कोई गुनगुना सकते हैं या कुछ ऐसा वो बोल सकते हैं? देखिए इस कंडीशन में मैं नहीं हूँ कि मैं भी कुछ गुनगुना सकूँ बेटा, क्योंकि मेरी बीमारी की मजबूरी है, और फिर आप लोग कहेंगे मतलब आउट ऑफ 100 ना मुझे 0 देंगे नंबर, कि ये ख्याम साहब को क्या हो गया, ये क्या सुना रहे हैं, तो इसलिए मेरा वो आप वो तो फिल्म देख ही रहे हैं, ये फिल्म देखेंगे आप, वो जो कुछ इसका ऑडियो वगैरह कुछ जो भी होते हैं वो सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आप कोई कमी नहीं पाएंगे, कोई कमी हमारे डिपार्टमेंट में और साथ सभी डिपार्टमेंट में, वो तो है ही, मैंने पहले ही उनका तो पदवी है कैप्टन ऑफ द शिप, वो तो है, लेकिन और इन्होंने भी हक अदा किया है, अब पूरे मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि पूरी यूनिट ने हक अदा किया है, और नौजवान ये हमारे हीरो हैं, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, और सारा और हमारे और कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, राजीव जी हैं, वीरेंद्र सक्सेना हैं, या या बिल्कुल ओम पुरी हैं, या या जी रेशमी घोष हैं जो मेन लड़की हैं, या या राजेश्वरी सचदेव हैं, और हमारे मिश्रा जी तो कुछ इधर दीजिए ना, राइट्स की प्रॉब्लम नहीं है, राइट्स नहीं है, और कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से 50 साल के बाद राइटर की डेथ के बाद वो फिर नेशन को चले जाते हैं। तो जो कलाकार आपने चुने हैं जी, ये बहुत बिफिटिंग रोल है, और आजकल लोग साहित्य के ऊपर पिक्चरें कहाँ बहुत कम बन रही हैं, तो आई फील प्राइड कि हम लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है और उसको बना रहे हैं, और क्योंकि मोस्टली जो हिंदी साहित्य में जो बड़े राइटर्स हैं उनके ऊपर फिल्में अभी बनना कम हो गई हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों की भी अब इस फिल्म को आप देख के आप पाकिजा और उमराव जान की टक्कर में पाएंगे। यूपी गवर्नमेंट टैक्स फ्री के लिए उस समय जया जी थी वहाँ पर, उन्होंने किया भी था, जया बच्चन सब्सिडी ग्रांट किया था, लेकिन अभी हम लोगों ने अवेल किया नहीं है बिकॉज वो हाँ अभी उन्होंने स्क्रैप कर दिया।
लेकिन अभी ये अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस फिल्म को देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। नहीं, हम लोगों ने इंटरटेनमेंट टैक्स माफ करने के लिए अप्लाई किया है, वो फिल्म देखने वाले हैं और ये प्राइम मिनिस्टर को भी भेजी गई है फिल्म पीएम हाउस में दिखाने के लिए, बिकॉज उनकी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करती है तो वहाँ के उनका इंटरेस्ट रहता है। हाँ, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना उसमें। तो सवाल आपसे भी है, मैं अपनी खुशनसीबी कहूँगा और साथ साथ मैं एक खास बात हूँ कि शायरी और मेरे शायर, ये उनका कलाम जो मुझे मिला, ये खयाम 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 हो गई, ये उनका कलाम है। देखिए, खयाम अपनी जगह, अल्लाह ईश्वर ने जो बनाया है, इंसान क्या है वो ठीक है, इंसान सिंसियर हो, अपना काम करे, वो ओके, लेकिन इतना नाम हो जाना और उस नाम में, अगेन मैं वो जुबड़ा कहूँगा कि मेरे शायरों का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे, आप सुनेंगे इनका कलाम, माया गोविंद जी का नगमा भी एक इसमें, इस फिल्म में है, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, और इन्होंने जो कलाम लिखा देखेंगे आप कि क्या लिख दिया इन्होंने, और हक अदा कर दिया मुंशी प्रेमचंद जी का और उनकी कहानी का। और तो ये अब अच्छे शायरों का चुनाव, अच्छे शायरों के साथ सोहबत में बैठना उठना, इन बड़े बड़े शायरों के, साहिर साहब, साहिर यानी देखिए, सबसे पहले जो आपने मेरा नगमा सुना होगा, देखिए दो बोल सुना दूँ आप लोग, ये सुनिए बेटा, बिटिया लोग भी हैं कहीं, ये बैठे हैं आप, आइए। हमारी पहली गजल जो सुपर डुपर हिट हुई, ये 48 में रिकॉर्ड हुई, 48 और 49-50 में, रेज ऑफ द नेशन बनी गजल। गजल उस वक्त क्या माहौल था आप लोगों को मालूम है। गजल आप उसके बोल सुनिए, अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे। आगे सुनिए, हमारी याद आ जाती तो होगी, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। तो ये पहली गजल मेरी ऐसी हिट हुई, तो आपने जो जिक्र किया ना बड़े बड़े शायर, आप यकीन करेंगे बड़े बड़े शायर मुझे चाहने लगे, सारे के सारे, मजरूह सुल्तानपुरी साहब, अली सरदार जाफरी साहब, कैफी आजमी साहब और जानसार अख्तर साहब और साहिल लुधियानवी साहब, तो ये उस वक्त का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब हर एक ने मुझे लबैक कहा और कहा कि इकट्ठे काम करेंगे। तो ये और फिर मेरी खुशनसीबी के बड़े बड़े अदीबों का साथ रहा मेरा, उनके साथ उनकी सोहबत में रहा, जिसमें कृष्णचंद्र जी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी साहब हैं और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, तो ये चंद नाम ले रहा हूँ, और बड़े बड़े और भी साहबान जिनकी सोहबत में बैठा, उनसे हमने क्या क्या सीख लिया, क्या क्या पा लिया। तो ये क्वालिटी है ना, तो यूं ही नहीं होती, ये सोहबत में होती है। सोहबत में कोई
किन लोगों की सोहबत में हम बैठे हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर दिया, और उस काम का इतने बुलंद दर्जा काम का सुपर डुपर हिट होना विदाउट एनी एड। आज तो देखिए आपसे तो आप ज़्यादा जानते हैं किस तरह किस चीज़ को हिट बनाया जाता है, हिट बना कर दिया जाता है। वो सारा वो कुछ नहीं था, ज़ीरो एकदम। जो एक नॉर्मल सी पब्लिसिटी होती, पोस्टर बन गए, वो बन गए, कुछ भी नहीं। तो ये बुलंद पाया काम का, बुलंद पाया शायरी का, और इतनी बुलंद पाया मौसीकी का, मैं ये कहूँगा ये सिर्फ शायरी बुलंद पाया नहीं है, उसमें मौसीकी संगीत वो उतना ही बुलंद पाया, वो कम नहीं है। वो दोनों मिलकर इतना वो एक जैसे होता ना, लोगों का कहना है कि एक जादू क्रिएट होता है, जादू क्रिएट होता है, एक नशा क्रिएट होता है। यानी ये आलम रहता है। और अगेन मैं उस बात पे आ जाता हूँ कि यह अच्छी शायरी जो मिली, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे मेहरबान मिले, मोहसिन मिले, ये सब के सब इतना मुझे इन्होंने चाहा, इतना। और मगर थी वो गज़ल, पहली गज़ल, अब वेरी यंग एज में मैंने कंपोज किया, वो ये उनकी पिक्चर का मेरी का, उसमें मुमताज़ शांति, उसमें अल्लासर साहब बड़े खूबरू हीरो थे, और वीना जी, आपने नाम सुना वीना जी, बड़ी नौ औरत, तो वो उनकी जोड़ी बड़ी, तो उन पे ये फिल्म आया गया। थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि ये किस तरह बनाया मैंने, बहुत ही सिंपल ट्यून। एक तो प्रोफेशनल जो लिख लिया या सीख रहे हैं तो वो किस तरह गाएंगे, और जो सीखा है उन्होंने प्रोफेशन नहीं है वो कैसे गाएंगे। इसमें तो एक स्टूडेंट जो है फाइन की मोहब्बत की कहानी है, और वो किस तरह शायराना अंदाज दिया मैंने, ये धुन जो है ना शायरा है, ये धुन है बिल्कुल, बहुत ही उसमें साधको पूरे हिंदुस्तान को संदाई इस गाने को उस वक्त कहा, ये गाना ये वही गाना है, और आपके वो मौसार है, और वली साहब का कलाम था। सो ये मैं गया, और लेकिन मैं बातें जो लिंक होती हैं मैंने बता दिया, मुझे मालूम है आप इतना लिंक ना कोई आएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के नॉलेज में। सो आप कुछ ज़्यादा काम कर